राम राम जी सारे ना, मैं तारा साथी मोहित होने वाला सारे का जोश टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम पर फिर तो स्वागत करूँ भाई। इस गर्मी का गर्म गर्म मौसम, एक जमा गर्म गर्म वैकेंसी आ गई है। रेलवे टीसी के पदों के ऊपर भाई तारी नई भर्ती आ गई है। 12वीं पास करीबन 10,000 पदों के ऊपर भाई नर प्लस मादा दोनों प्रकार के प्राणी इसके अंदर अप्लाई कर सके। जितना भी अभी अभी ताजा ताजा जो 12वीं पास करके निकले ना नए नए चूजे, ठीक है, सारे के सारे भाई इसका मैं फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, एग्जाम डेट कब होगी तारी, सिलेबस क्या रहेगा इसके अंदर और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उम्र कितनी मांगी गई है, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तैयारी कैसे करनी, सारे के सारे फैक्ट आपको इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो यहां पर टिका रहेगा। देखो भाई कौन से लेवलों की बात करने लग रहे हैं। उससे पहले भाई अगर आप लोग क्या है भाई अपनी, जैसे अभी आप लोगों ने प्लस टू की है, प्लस टू के बाद आप साथ के साथ जैसे ग्रेजुएशन करना चाहते हो और घर बैठे, और साथ के साथ आप लोग तैयारी करना चाहते हो कंपिटेटिव एग्जाम की, तो आप घर बैठे ग्रेजुएशन कर सकते हो बाय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। भाई कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपको घर बैठे ऑनलाइन आपको ग्रेजुएशन करवाने लग रही है। ऑनलाइन डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है, MBA आपको करनी है, MCOM करनी है, MCA करनी है, इनकी सबकी फीस है 70,000, 80,000, 90,000, मतलब पूरे दो साल की ये नहीं भाई, कदे एक साल की समझो एक सेमेस्टर की, ऐसे नहीं है। MA करनी है, ठीक है, MCOM करनी, BCOM करनी, BSc जो भी करना है आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी डिग्री कर सकते हो, ठीक है। नो कॉस्ट EMI, मतलब कि आप EMI किस्तों के अंदर भी आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि भाई आप एक साथ इतनी फीस जमा नहीं कर सकते, इतने ज्यादा आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपको ऑनलाइन बुकें मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन ही मतलब कि आपको सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन, आपके एग्जाम भी ऑनलाइन ही करवाए जाएंगे, ठीक है। UGC से ग्रांटेड है, NAAC के द्वारा AA+ ग्रेड से वो है भाई प्रदान किया हुआ, इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो भी साथी इंटरेस्टेड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिलअप कर सकता है, वो आपसे अपने आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अब लोग भाई अपने सिस्टम के ऊपर क्या क्या कुछ मामला है। देखो भाई आपके अप्लाई डेट भाई जून 2024 से भाई आपका जून 2024 के अंदर आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, और आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे भाई, ठीक है। लास्ट डेट कब है भाई, एक महीना आफ्टर एप्लीकेशन डेट, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, नोटिफिकेशन के एक महीने तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि लास्ट डेट आपकी वो मानी। उम्र भाई 18 से 33 साल के हैं भाई, नर प्लस मादा, ठीक है, नर प्लस मादा जोड़ा ना समझ लियो, कदम समझा तो जोड़ा बनावाएंगे जितने फॉर्म भराएंगे, नो कोई भी फॉर्म भर सके, नर और मादा दोनों अलग अलग है। आगे बात सुनो, इसके अलावा क्वालिफिकेशन भाई 12वीं पास मांग रखी है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले भी भर सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन वालों की एक अलग वैकेंसी है, क्योंकि ये सारी की सारी वैकेंसी भाई ये NTPC के तहत निकली है, ठीक है। NTPC रेलवे, NTPC फीस आपकी इसके अंदर 500 रुपए होती है जनरल कैटेगरी की, लेकिन आपको 400 रुपए का कैशबैक मिल जाता है आपका एग्जाम कंप्लीट होने बाद। जैसे आप जैसे मतलब Tier 1 का आप एग्जाम देके आओगे, आपको 400 रुपए वापस दे दिए जाएंगे आपके बैंक खाते के अंदर वापस, इसके अंदर खाता नंबर भरवाते हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जनरल के लिए, बाकी कैटेगरियों के लिए 250 रुपए फीस है, उनको 250 का कैशबैक मिल जाता है। अब ये मामला है किसके अंदर भाई, ये मामला है आपका रेलवे NTPC के अंदर ही, ठीक है। अभी आप लोगों को पता, देखो रेलवे ने कैलेंडर जारी किया था, ALP की वैकेंसी आ चुकी है, अप्रैल जून के अंदर आपके टेक्नीशियन की आनी थी, लेकिन मार्च के अंदर ही इसका नोटिफिकेशन आ चुका था टेक्नीशियन का, ठीक है। उसी टाइप से देखो जुलाई से सितंबर के बीच में इन्होंने बोला है कि भाई आपका NTPC का नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन जिस प्रकार से भाई टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आपका मार्च के अंदर आएगा, तो चांसेस हैं कि जून के अंदर ही आपका क्या है भाई नॉन टेक्नीशियन यानी NTPC का नोटिफिकेशन भी जारी कर देंगे जून के अंदर ही, ठीक है। और जून के अंदर जो आपका है मतलब कि जिसके अंदर आपका ये आता है आपका TC की जो वैकेंसी आती है, ठीक है, ये आपकी लेवल 2, ये वाले लेवल ना समझ लियो, लेवल सबके निकलेंगे लेकिन निकलेंगे उसके जो यहाँ पर टिका रहेगा, वो वाले लेवल कौन भाई ये, ठीक है, अरे तरफ लिखे भी कौन बिना पढ़े, चेक कितने टिके रही हो आगे बस, उन्हें ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी नीत करके, ज़्यादा दिनों तक टिकना पड़ेगा, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा समय तक टिकने की कैपेसिटी होगी वही लेवलों को निकाल सके भाई, नहीं अटक जाएगा सिस्टम राय माई, ठीक है, सिस्टम नु धम देसी पड़ेगा नीचे आएगी। तो लेवल टेक्नीशियन अंडर ग्रेजुएट की लेवल 2 और 3 की, देखो इसके अंदर आपको बताता हूं क्या कुछ मामला है। अब ये जो लेवल वाली जो वैकेंसी है ना, ये आपका जून के अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप की वैकेंसी, आपको सारा का सारा सिस्टम बताऊं, एग्जाम पैटर्न भी लिख के ले रहा हूं, तैयारी भी कैसे करनी टेंशन मत लो। अब इसके अंदर ये है 12th बेस की पोस्ट भाई, अभी अभी जो फ्रेश बालक लिखे हैं भाई, नए नए लड़के आए हैं मार्केट का, मैं नर्मदा, ठीक है, तो भाई उनके लिए 12वीं पास के लिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी आएगी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की आएगी, जूनियर टाइम कीपर की आएगी, और ये है TC ट्रेन क्लर्क या फिर टिकट कलेक्टर एक तरीके से कैसे बोलो ट्रेन कलर की जो वैकेंसी ये है, और कॉमर्शियल कम टिकट कलर। अब आपको बता तो ये वैकेंसी खास क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता, कोई आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता इस वैकेंसी के अंदर, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के ऊपर काटा मार दो, बाकी की ये जो चारों वैकेंसी के अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। सैलरी आपकी कितनी, बेसिक पे 19,900 रुपए आपकी बेसिक पे है, यानी कि सारे भत्ते वगैरह वगैरह मिल माल के आपको करीबन भाई ये
30,000 के आसपास है आपको पैसे दे देंगे, ठीक है, 30,000 के आसपास सारे भत्ते वगैरह मिल गए। अब ये टीसी वाली वैकेंसी क्यों मैं बताने लग रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्या, क्योंकि भाई इसके अंदर मैंने आपको बताया कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, वरना इन चारों वैकेंसियों के अंदर भाई टाइपिंग टेस्ट है, ठीक है, आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अंदर कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं, सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन दो, फिजिकल मेडिकल करवाओ और अपना एक तरफ ना हो जाओ, ठीक है। इसी टाइप से ये आपकी ग्रेजुएशन बेस की पोस्ट है भाई, आपकी ग्रेजुएट बेस जिनकी अभी अभी हाल फिलहाल में अभी जून के अंदर जिनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, ये उनके लिए है भाई। इनके अंदर जैसे ट्रैफिक असिस्टेंट है, गुड्स गार्ड है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, सीनियर टाइम कीपर है, कमर्शियल अप्रेंटिस है, स्टेशन मास्टर, ये दो पोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनकी जो बेसिक पे वो 35,400 है, ठीक है, सारे भत्ते वगैरह वगैरह मिलकर 60K के आसपास यानी 60,000 के आसपास तनख्वाह मिलती है स्टेशन मास्टर को और कमर्शियल अप्रेंटिस को। इसकी क्वालिफिकेशन आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन जो भी बीएससी बीए बीकॉम कर रखी वो। अब हम लोग बात करते हैं जो टीसी वाली वैकेंसी ट्रेन कलर, ठीक है, इसकी सैलरी सबसे ज्यादा भाई, अगर आपको सैलरी की सबसे जॉब करनी तो कमर्शियल कम टिकट कलर, इसकी 21,700 बेसिक पे है, कुल मिला के आपकी ये समझ लो इसकी अगर 30,000 सैलरी तो इसकी 35 के आसपास पड़ जाएगी आपकी, ठीक है, तो सैलरी के हिसाब से ये ज्यादा है, बाकी इन सब की 19,900 ही बेसिक पे है। अब टीसी का ये देखो भाई आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस हिसाब से क्या कुछ मामला आएगा एग्जाम के अंदर, देखो भाई तो टीसी के लिए भाई आपके जीके आएगी, जीके के 40% आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका एक नंबर का आएगा, तो यानी कि टोटल 40% 40 नंबर की आपकी यानी जीके आएगी। और जीके के लिए आपको देखो मैं आपको बताता हूं तैयारी कैसे करनी, घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है, अपने चैनल के ऊपर भाई डेली रात को 8:30 बजे भाई, डेली रात को 8:30 बजे भाई जीके की लाइव क्लास होती है, जिसके अंदर भाई मैंने टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर रखी है। अगर आपको यकीन ना हो ना भाई, देखो इसके अंदर मैं कुछ गारंटियां लेने लग रहा हूँ आपकी भाई, जो मैं क्लास करवाता हूँ डेली उसके अंदर आपको पर्सन याद करवाने की गारंटी मेरी, दूसरी चीज क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी, उस क्लास से बाहर बहुत ही कोई 0.1% चांस है कि आपको कोई पर्सन फंसे इस बात की गारंटी मेरी, तीनों गारंटियां मेरी और बोलो, ठीक है। आपको अगर यकीन ना हो तो अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है भाई, प्लेलिस्ट, ठीक है, आप अपने चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जीके फॉर ऑल एसएससी DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024, वो आरपीएफ आरआरबी एक ही चीज है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। उस प्लेलिस्ट के अंदर भाई अभी तक 45 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, जिसके अंदर मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको करवा चुके हैं, स्टैटिक जीके के अंदर आपके पोर्शन आते हैं लाइक भारत के नृत्य, ठीक है, या फिर पार्क जंगल, ठीक है, भारत के प्रसिद्ध मान लो कुछ भी लगा लो यार, ये जो मतलब कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले वगैरह वगैरह सारे उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अभी हिस्ट्री भी मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ भाई, डेली क्लास लगती है करीबन 45 दिन से लगातार क्लास लगने रही, और कल से परसों से भाई मैंने पॉलिटी शुरू करवाई, दो क्लासेज लग चुकी, तो जो भी साथी जैसे जितने भी आर्टिकल होंगे सारे ट्रिक्स याद करवाऊँ जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो जीके की टेंशन भूल जाओ, कहीं मात्र मैथ और रीजनिंग अब इनका क्या मामला, इनको कैसे निपटाएंगे, मैथ के 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का आएगा। आपको करना क्या मैथ के लिए, आप कोई भी YouTube चैनल भाई आपको जोन सा भी अच्छा लगे आप YouTube पे सर्च कर लेना भाई मैथ फॉर रेलवे एग्जाम या SSC एग्जाम, क्योंकि सबका इनका मैथ एक ही जैसा होता है, ये मत समझो कि भाई SSC का कुछ अलग मैथ है या रेलवे कुछ, सबका एक जैसा होता है, ठीक है। आप किसी भी टीचर से एक बार के लिए सिलेबस पूरा करो भाई, यूट्यूब से आप लोग सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है, किसी का बैच कोर्स लेने के माथा मारने की कोई जरूरत नहीं है, सिलेबस पूरा करो वहां से, किसी की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए, जैसे अपनी प्लेलिस्ट है उसी टाइप से किसी की टॉपिक वाइज है हर एक वीडियो, जैसे मान लो आपने सबसे पहले देखा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लाभ और हानि का आपने टॉपिक देखा मैथ का, और प्रॉफिट एंड लॉस की आपने कंप्लीट वीडियो देख ली, देखने के बाद कि आपको उसको साथ के साथ उसके नोट्स बनाने, जैसे मान लो आपने वीडियो चला रखी वीडियो को पॉज करो, ठीक है, कॉपी के अंदर सवाल नोट कर लिया, फिर वीडियो को पॉज करो, फिर अगला सवाल नोट कर लिया, ठीक है, तो यानी कि प्रॉफिट लॉस किस टाइप से आपको नोट्स बनाए, 3 से 4 दिन के अंदर आपकी क्लास पूरी होगी, ठीक है, उसके बाद आपको इसकी रिविजन मारनी उन सारे नोट्स की, ठीक है, रिविजन मार के फिर आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं भाई, प्रीवियस ईयर के आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, जैसे अपना ऐप है जॉब्स टारगेट नाम से, अपना ऐप मिल जाएगा आपको जॉब्स टारगेट नाम से प्ले स्टोर पर, उधर भाई मैंने आरपीएफ रेलवे के, ठीक है, रेलवे आरपीएफ के भाई मैंने प्रैक्टिस सेट डाल रखे, रेलवे आरपीएफ को आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप वहां से प्रैक्टिस सेट करके देख सकते हो, ठीक है, आपको पता लग जाए दो जिसके अंदर सारा नया डाटा मिला आपको 2024 की करंट अफेयर मिलेगी, ठीक है, इससे आप लोगों को पता लग जाए आपका लेवल क्या है, किस तरीके का पेपर आने लग रहा है, उसके अंदर प्रीवियस ईयर भी, इसके अंदर आपको 15 तो नए प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है, और 10 आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी मिलेंगे, तो जो साथी इंटरेस्टेड हो वहां से ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा मैथ आपका ऐसे कवर अप हो जाए धीरे धीरे, 3 महीने लगेंगे, अगर आज से ही तैयारी शुरू करोगे तब जाके है सितंबर अक्टूबर में जब एग्जाम होगा तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए सिर्फ
सिर्फ प्रैक्टिस, नो क्लास। क्लास अगर आपको रीजनिंग की देखने तो सिर्फ आप इन टॉपिक की देख सकते हो। मान लो डाइस है, डाइस वाले सवाल आपको वो देख सकते हो, घड़ी वाले सवाल हैं, क्लॉक वाले, सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल हैं, ये कुछ एक टाइप के सवाल हैं जिनके अंदर आपको थोड़ी सी टेक्निक सीखनी पड़ती है। बाकी रीजनिंग का सारा प्रैक्टिस का खेल है। रीजनिंग के लिए कहीं पर माथा मारने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रैक्टिस के लिए बुक परचेज कर लो या प्रैक्टिस एट ऑनलाइन लगा के देख लो, जैसे अपना ऐप है यहाँ पर जॉब्स टारगेट से, प्ले स्टोर से, ठीक है, कहीं से भी आपकी जहाँ पर इच्छा हो वैसे आप कर सकते हो। तो भाई ये थी आपकी मेनली टीसी की वैकेंसी, जिसके बारे में मैंने आपको सारा का सारा सिस्टम बता दिया। 18 से 33 साल उम्र है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलेगी आपको, सारा सिलेबस एग्जाम पैटर्न, मतलब जो नॉर्मल एसएससी का सिलेबस होता है यार वही सिलेबस है, टेंशन ना लो, ठीक है। 12th पास है, करीबन अप्रोक्स 10,000 पदों के आसपास भर्ती आने की उम्मीद है, ठीक है। तो रेलवे टीसी भर्ती अभी जून के अंदर नोटिफिकेशन आने वाला है, करीबन एक महीने बाद। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करोगे, नए नए टॉपर निकल के आए हैं ना ये 12वीं पास करी नर्मदा, ठीक है, लायक जाओ भाई, जुट जाओ। दाम तो नर्मदा तो कौन दाम, तो छोटे छोटे चूजे हो नर्मदा, तो जी तम 18+ हो जाओ, जिद बनोगे, ठीक है भाई। तो अपनी तैयारी को बूस्टअप दो, अपने चैनल के ऊपर आप लोग तैयारी कर सकते हो सब्सक्राइब करके। डिस्क्रिप्शन वो मतलब कि यहाँ पर प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग जाके क्लासेज ले सकते हो। आप लोग एक क्लास चला के जरूर देखना, ताकि आप लोगों को पता लग जाए, पहली क्लास चला के देख लेना भाई उसके अंदर पर्सन याद होने लग रहे या नहीं होने लग रहे, एंटरटेनमेंट होने लग रहा है नहीं होने लग रहा, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद, लेना ले लो, खेच जाओ, रात को मिलते हैं क्लास के अंदर, खेच जाओ भाई।